विशेष ज्ञान देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राणे साहब, नारायण राणे साहब को कौन नहीं जानता। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, राजनीति में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, यूनियन मिनिस्टर भी हैं और शिवसेना में भी रह चुके हैं पहले, तो कौन ज़्यादा समझता है महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। नारायण राणे जी नमस्कार, और टाइम्स नाउ नव भारत पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूछना चाह रही हूं कि इस वक्त बीजेपी के पास कितने विधायक हैं, और क्या उद्धव सरकार, जिस तरह कहा जा रहा है कि डामाडोल है, उद्धव सरकार को कितना संकट है, आप क्या अंदाजा लगाते हैं? महाराष्ट्र में आघाड़ी का सरकार है, तीन पक्ष का सरकार है, तीन पार्टी का सरकार है। उद्धव ठाकरे शिवसेना के मुख्यमंत्री है। आज के तारीख में उद्धव ठाकरे जी का जो पद है, मुख्यमंत्री पद, वो संकट में आ चुका है, खतरे में आ चुका है। शिवसेना के करीब 40 विधायक, उनको छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अलग हो गए ले। तो 40 जाने के बाद इनके पास क्या बचता है? 10-12 इनके पास खाली है। इन्होंने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्यों रुके? काय के लिए मीटिंग बार बार ले रहे? कल भी 11 थे, उनके मीटिंग में 11 विधायक खाली थे। जब उनकी पूरी संख्या नहीं होती है तो कोई भी मुख्यमंत्री रुकता नहीं है। नारायण राणे जी, शिवसेना का कहना है कि 31 विधायकों ने साइन किया था, 31 विधायकों ने साइन किया था लेजिस्लेटिव पार्टी के अध्यक्ष जब अजय चौधरी जी को बनाया जा रहा है। आप कह रहे हैं 11-12 से ज्यादा नहीं है, नंबर क्या है? क्या नंबर, किसका नंबर? उनके पार्टी से 40 के करीब चले गए, तो बचता है किधर 31? ये तो विधानसभा जब भी एक मीटिंग हो गई थी ज्वाइंटली, जब के 31 है, कल किधर 31 थे? 11 थे, 11। तो इस वक्त एकनाथ शिंदे जी से आपकी कोई बातचीत हुई? उनका क्या विचार है? कितनी जल्दी ये सरकार गिराने का मत है बीजेपी का? नहीं, बीजेपी का मत का में कोई गिराना नहीं है। ये शिवसेना अपनी पार्टी संभाल नहीं पाने से ही, विधायक की नाराजगी के वजह से पार्टी टूटी है। ये शिवसेना ने अपनी पार्टी आपस के झगड़े में टूटी है, उसका बीजेपी के साथ कोई संबंध नहीं। हम लोग कोई गिराने की कोशिश नहीं की है, ये खुद गिर रहे हैं। लेकिन नारायण राणे जी, पहले सूरत में आपने उन्हें रखा, फिर उसके बाद गुवाहाटी ले जाया गया, जो दोनों राज्य हैं वो बीजेपी के राज्य हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं? देखिए, लेना देना का सवाल नहीं आता है। कोई भी होटल हो तो होटल में क्या बीजेपी के खुद के होटल है क्या जाके रखने का? एक बुकिंग किया होगा, उनको लगा होगा सुरक्षा व्यवस्था, जहां बीजेपी का राज्य है उधर सुरक्षा व्यवस्था अच्छा है, करके गुजरात में गए, करके आसाम में गए, वो भी होटल में गए, किसके घर में तो नहीं गए ना। और इसमें हमें कोई मदद मांगे तो हमारा फर्ज है मदद देने का। सही कहा आपने। मैं पूछना चाहती हूं कि शिवसेना के साथ इस वक्त एनसीपी और शरद पवार जी का क्या रवैया है? आप महाराष्ट्र में हैं, आप की क्या जानकारी है? एनसीपी ने भी ऐसा लगता है थोड़ा किनारा कर लिया है शिवसेना से, क्या ये सही है? देखिए, उनको तजुर्बा नहीं है, उद्धव ठाकरे जी को संकट में पवार साहब मदद कर सकेंगे कि नहीं, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। ये इस तरह का बर्ताव पहली बार किसी के साथ नहीं हुआ है, तो इनको मालूम होना चाहिए। अभी इस वक्त
उनको मदद के इन लोग ने करना चाहिए, कोई आ रहा है क्या मदद करने? आपके पास आ रहे है क्या? आपके, सब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। आपके पास दूसरी पार्टी एनसीपी या कांग्रेस से भी कोई विधायक संपर्क में है? देखिए ये तो जानकारी मैडम मैं नहीं दे सकता हूँ। आज के तारीख में बीजेपी के साथ सभी संपर्क में है, वो अपने पार्टी में उनको मालूम है अभी कुछ स्थान नहीं है, सरकार नहीं बचने वाली है और आगे भविष्य में भी इनका सरकार आ नहीं सकता है। ये एक्सीडेंट नहीं हो गए लय पवार साहब की मेहरबानी इनको मुख्यमंत्री बनाने की, इनकी खुद क्षमता नहीं है। मगर हम तो इस वक्त हमारे पास क्या है, किसके साथ संपर्क है, ये जानकारी मीडिया को तो नहीं दे सकते है ना। लेकिन नारायण राणे जी मैं पूछना चाहती हूं कि आपके हिसाब से, आपको इतना एक्सपीरियंस है, इतना तजुर्बा है, ये सरकार इस तरह से और कितनी देर चल सकती है और क्या फ्लोर टेस्ट होगा और फ्लोर टेस्ट में बीजेपी अपने नंबर प्रूव कर पाएगी? देखिए वो बाद में की बात है, मगर ये सरकार गिरेगी जरूर। ये 145 टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे उद्धव जी ठाकरे, ये सरकार गिरेगी। आगे बीजेपी क्या करेंगे वो आगे की बात है, वो अभी कहने की बात नहीं है। मगर मैं समझता हूँ ये सरकार 24 घंटे के ऊपर चलने वाली है नहीं। लेकिन अभी गवर्नर जी को कोविड पाया गया है, कोविड पॉजिटिव हैं और वो अस्पताल में हैं। तो अगर ये सरकार नहीं चलेगी तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा, असेंबली डिसॉल्व होगी, प्रेसिडेंट रूल लगेगा या फ्लोर टेस्ट होगा? ये तीन ऑप्शन बचते हैं, इनमें से क्या लगता है मोस्ट लाइकली होगा? नहीं देखिए मैं ये तीनों ऑप्शन के ऊपर कमेंट्स करूंगा नहीं, ये सब मामला राज्यपाल जी के पास जाएंगे। राज्यपाल जी बीमार है तो उसके वो जो भी कुछ कहेंगे कि ये निर्णय मैं राष्ट्रपति जी के पास भेजता हूँ नहीं तो इनके पास भेजता हूँ, वो उनका सवाल है। जो राज्यपाल निर्णय लेने वाले हैं आगे उसका भविष्य अभी बताना सही नहीं है ना। मेरे जैसे तो आप बोलते हैं मेरे को तजुर्बा है, तो तजुर्बा होते हुए इस तरह की जानकारी देना उचित नहीं समझता है मैं। नारायण राणे जी कल अमृता फडणवीस जी ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा एक था कपटी राजा, था कहा था। तो कल से ही अंदेशा है कि उद्धव ठाकरे आगे मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे? नहीं मैं तो बोला नहीं रह पाएंगे, और इस तरह का व्यक्ति नहीं भी होना चाहिए कि जो हमेशा तरह की डेवलपमेंट स्टेट की छोड़कर, यहाँ के प्रॉब्लम छोड़कर खाली दूसरे के पीछे कटकारस्तान करना, यही काम उन्होंने 2.5 साल किया है। अच्छा काम कोई नहीं किया है, मगर वो ऐसा ट्वीट किया होगा मुझे कोई जानकारी नहीं है, मगर वो जो वर्ड है वो उनको सही फिट लगता है मुझे। नारायण राणे जी अभी संजय राउत जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन जो आइडियोलॉजी है वो नहीं जानी चाहिए। इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे संजय राउत जी के स्टेटमेंट पर? देखिए शिवसेना की आइडियोलॉजी संजय राउत को क्या मालूम है? शिवसेना की आइडियोलॉजी जब बनी और शिवसेना स्थापन हुई जब ये था क्या? ये सामना जब ही निकला ना, जब ही वो संपादक करके आया नौकरी के लिए आया, शिवसेना का आइडियोलॉजी इन्होंने कभी फॉलो की? बाला साहब जी विचार, बाला साहब कभी भी हिंदुत्व छोड़कर मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं भागते थे, नहीं जाते थे, नहीं स्वीकार करते थे, इसको क्या मालूम है आइडियोलॉजी? ये तो कमाने आया है, नहीं तो उनको क्या पगार था, सैलरी क्या था यार? ये मतलब से है शिवसेना में, मतलब से। और मैं अभी कहा इसके पहले शिवसेना खत्म करने का इन्होंने सुपारी लिया था, आज तो खुश होगा
कि जो मैं सुपर लिया मैं सक्सेस हो गया, इस प्रवृत्ति का आदमी है, इस स्वभाव का आदमी है वो, मैं जानता हूं उनको अच्छा तरह से। बाला साहब जी उद्धव जी के ऊपर काफी लोकप्रभा में से क्रिटिसाइज किया, जब लोकप्रभा में नौकरी था काफी क्रिटिसाइज इन्होंने किया है। तो साहब जी का, माननीय बाला साहब ठाकरे जी का आइडियोलॉजी इनको क्या मालूम है। तो नारायण राणे जी, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आगे चलकर शिवसेना और बीजेपी में कोई रिश्ता बन सकता है अगर उद्धव ठाकरे कहें कि सरकार बचा लो या हम आपके साथ वापस चलेंगे, क्योंकि काडर इतना अनहैप्पी है। जी नहीं, ये माइक आपका गिर गया, वापस रिपीट करिए। मैं पूछ रही हूं कि आगे चलकर बीजेपी और शिवसेना में दोनों में कोई अलायंस की पॉसिबिलिटी है? देखिए, इस प्रश्न का भी उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं। राजनीति में, नीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी सोचा था कि किसी ने शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी के ऊपर जाएगी, पास जाएंगी, साथ में जाएंगी? कोई नहीं सोचा था। इन लोग का सबका आइडियोलॉजी अलग है, राष्ट्रवादी कांग्रेस का अलग है, शिवसेना का अलग है। ये उद्धव ठाकरे जैसा ही स्वार्थी आदमी ऐसा आइडियोलॉजी छोड़कर जा सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता है। राणे जी, बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप इंटरलोक्यूटर हैं, जो सेना से छोड़कर विधायक आए हैं बीजेपी की तरफ, क्योंकि आप पहले सबको जानते हैं, पहले से आप इंटरलोक्यूटर हैं। क्या ये बात सही है? आपकी एकनाथ शिंदे जी से कोई बात हुई, कोई चर्चा हुई? इस विषय पर नो कमेंट्स, में इसके पर कोई जानकारी नहीं दे सकते इस वक्त। ये सब निर्णय राज्यपाल जी के होने के बाद, वापिस सत्ता महाराष्ट्र में आने के बाद मैं इसकी जानकारी आपको फोन करके दूंगा। तो आपको पूरा विश्वास है कि सत्ता आ रही है आपकी वापस? नहीं, बीजेपी की तो आज न कल आनी ही थी ना, आनी ही थी। इस देश में अभी बीजेपी छोड़कर सरकार चले और चलाने वाले कोई पार्टी है ही नहीं ना। जिधर है उधर हालत कितनी खराब है। तो क्या बीजेपी के पास ये राइट है कि मध्य प्रदेश में सरकार गिरी फिर बीजेपी आ गई, कर्नाटका में 2 साल बाद गिरी बीजेपी आ गई, अब महाराष्ट्र में 2 साल के बाद गिरेगी बीजेपी आ जाएगी? तो ये जो लगता है आरोप बीजेपी के ऊपर कि जहां आप सरकार बना नहीं सकते वहां गिरा जरूर देते हैं। नहीं नहीं, गिराने का में गिर जाता है सरकार, और लोगों की भी इच्छा होती है कि बीजेपी सरकार सेफ सरकार है, डेवलपमेंट करने वाली सरकार है, तजुर्बा वाले सब नेता है, सरकार चलन का अनुभव खाली बीजेपी का नेता जन को है, तो लोगों की इच्छा होती है वैसा हो जाता। हमें गिराने की आवश्यकता नहीं, अब इधर किधर हम गिराए महाराष्ट्र में, ये खुद गिर गए, खुद गिर गए, हमने नहीं गिराया। एकनाथ शिंदे जी से आपकी पहले से जान पहचान है? एकनाथ शिंदे जी से पिछले 24 घंटे में कोई बातचीत हुई आपकी? एकनाथ शिंदे पहले से हमारा संबंध है, हमारी उनका रिलेशन भी है, तो मैं समझता हूं। मगर राजनीति में मैं जब शिवसेना छोड़ा उसके बाद उसका राजनीति अलग था, हमारा राजनीति अलग था। पिछले 24 घंटों में मैं उनको एक ट्वीट जरूर किया, मगर मैं बात नहीं किया। आपको क्या लगता है, आप उद्धव जी को भी जानते हैं, उद्धव जी इस्तीफा देंगे और जल्दी में देंगे जैसा कहा जा रहा है, या आपको लगता है कि अभी पिक्चर बाकी है? देखिए, उद्धव जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं 39 साल शिवसेना में था। वो ऐसे इस्तीफा नहीं देंगे, देने वाले होते ना तो कल ही दे देते।
उनको कहना पड़ेगा कि आप में अभी बहुमत नहीं, आपके पास अभी इस्तीफा दो। राष्ट्रवादी और कांग्रेस कहेंगे आपको अभी इस्तीफा देना पड़ेगा, और वो आज ही तय होगा जब वो इस्तीफा देने जाएंगे, नहीं तो इस्तीफा भेजेंगे। इतना राजनीति में दिल उनका बड़ा नहीं है कि जाके इस्तीफा राष्ट्रपति जी के हाथ में देने का। नारायण राणे जी, ये अजीब बात नहीं है कि सरकार उद्धव जी की है, एनसीपी है, कांग्रेस है, और 40 विधायक के करीब गायब हो जाते हैं महाराष्ट्र में और किसी को पता ही नहीं चलता। ये इतना साइलेंट ऑपरेशन कैसे किया? इसको तजुर्बा बोलते हैं। अनुभव हो तो सब कुछ हो तक सकता है ना। आप तो इनको सरकार चलाते हैं, पुलिस है, इनको जो मालूम होना चाहिए अपने विधायक कहाँ जा रहे हैं। एक दो नहीं, 40 विधायक कैसे सरकार चलाते हैं? एक तो पुलिस का सपोर्ट होगा। नारायण राणे जी, आपने शायद एक लफ्ज में सारी कहानी तय कर दी, तजुर्बा। और तजुर्बा दिखा है इस वक्त के 40 विधायक के करीब आप कह रहे हैं गायब हैं। कब तक चलेगी उद्धव ठाकरे की सरकार, अभी देखना बाकी है। नारायण राणे जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत की तरफ से थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।